हेलो एवरीवन, मैं प्रीति, प्रीति मेकअप से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी गाइस कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और ये है पंजाबी मेकअप लुक, जो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, बजट में है। और ये मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो सारी चीज़ें अरेंज हो गई, तो मैंने कहा फाइनली आप लोगों को लुक क्रिएट करके दिखा देती हूँ। आप इस लुक को करके शादी पार्टी फंक्शन या खुद के किसी घर में किसी की शादी हो तो आप इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही प्रीटी लगने वाले हो, बहुत ही खूबसूरत, और ये बिल्कुल बजट में है। दो चीज़ें आपको इसमें महंगी हैं और सारी चीज़ें मैंने सस्ती यूज़ की हैं। फाउंडेशन तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा महंगा आता है, बट और सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं। इसमें मैंने आपको परांदे से लेके एयरिंग से लेके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई है। और यहाँ पे मैं आई मेकअप से स्टार्ट करी हूँ। सबसे पहले मैंने कंसीलर लगाया है NYB का कलर करेक्टर, जो आपको 62 रुपीज़ पे purple.com में आराम से मिल जाएगा। और इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, या तो ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड कीजिए या तो ब्रश से। तो मैं यहाँ पे छोटू से ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप फिंगर से ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन लगा सकते हो, अच्छा कंसीलर, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है इसमें। इसके बाद मैं ले रही मोर्फी का हील पैलेट, इसमें से मैंने ट्रांजिशन सेट पिक किया। आपके पास कोई भी पैलेट हो उसमें से आप ट्रांजिशन सेट पिक कर सकते हैं। ट्रांजिशन सेट से अच्छा थोड़ा सा कलर उभर कर आता है, इस वजह से। तो आपको इनर कॉर्नर से लगाते हुए आउटर कॉर्नर से लगाते हुए इनर कॉर्नर तक लाना है। आईलेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऊपर की साइड में आपको लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, पहले राउंड राउंड हम 3 बार घुमाएंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे की साइड में लेकर आएंगे। फिर मैं यहाँ पे ग्रीन वाला सेट पिक कर रही हूँ, जो मेरी ड्रेस से मैच करता हुआ है। और इसको मैं देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए, घुमाते हुए हल्के हल्के से लेकर आऊँगी। अगर जिन्हें नहीं आता तो ये इस तरीके से लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है। ये देखिए, दोनों ही आई में आपको लगाना है बराबर और देख लेना है। फिर आपको 19-20 लगे तो अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है। तो ये नहीं कि हमने एक में लगा लिया तो हम दोबारा उसमें नहीं लगा सकते, नहीं, आप देखिए जिसमें कम ज़्यादा लगे आप सेट कर लीजिए। और इसके बाद फिर मैं ये वाला सेट पिक कर रही हूँ और इसको मैं फिंगर के हेल्प से लगाऊंगी। बहुत ही ईजी आई मेकअप मैंने आपको बताया है रेड कलर का, क्योंकि हमारी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा लाइट है तो थोड़ा सा बीच में हम आईलेट पे डार्क रखेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर है ये, इसको एक फिंगर के हेल्प से आप लगा लीजिएगा आईलेट पे। और फिर उसके बाद थोड़ी सी शाइन के लिए मैं ये वाला सेट पिक करूँगी, काफ़ी डिफरेंट कलर हो जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। और फिंगर के हेल्प से आप आराम से लगा सकते हो। अगर ऊपर वाला भी आप फिंगर के हेल्प से चाहो लाइट कलर, वो भी आराम से लगा सकते हो अगर आपको ब्लेंड करना नहीं आता है। और इसके बाद फिर मैं ले रही हूँ आईलाइनर, जो 52 रुपीज़ का NYB का, ये भी बहुत ही बजट में है। आपको कोई भी लाइनर इतना बजट में नहीं मिलने वाला है और ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसको हाईली रिकमेंडेड करूँगी। बहुत ही डार्क वाला, बहुत ही प्यारा शेड है ये, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, मुझे पसंद आया। अब मैं यहाँ पे सारा क्लीन कर लूँगी, जो मेरा आई शेडो मैस हुआ है उसको अच्छे से पोंछ लूँगी, ताकि फिर हम अपना फेस मेकअप कर सके। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर लिया, हल्के हल्के से मैं इसको लगा रही हूँ ताकि मेरी आई मेकअप ख़राब ना हो। और एक ब्यूटी ब्लेंडर से आप चाहो तो अच्छे से इसको अपने स्किन में पुश कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हो, मैं अधिकतर हाथ से ही लगाती हूँ। ये देखिए, बता देती हूँ मैं, इस तरीके से आप हाथ से लगा लो और ये आपको 52 रुपीज़ में, सॉरी 120 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ लैक्मे का मॉइस्चराइज़र लिया है, जो 120 रुपीज़ का आपको आराम से मिल जाएगा लोकल मार्केट में, सभी जगह लैक्मे तो फेमस है तो वो। और उसके बाद मैंने आपके लिए ऑप्शंस रखा ब्लू हेवन, हुडा ब्यूटी, मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी लगा रही हूँ। हुडा ब्यूटी 100 में आपको मिल जाएगा, ब्लू हेवन आपको 220 250 में मिलेगा, तो ये ज़्यादा बजट में है इसलिए मैंने यहाँ हुडा ब्यूटी का प्राइमर लगाया। ये भी आपको जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना। और इसके बाद मैं लगा रही मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, 230 मेरा शेड है। और इसके बाद आपको पूरा डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा लेना, इससे आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से लगता है, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है। ये थोड़ा सा महंगा है, बस 300 या 400 में आपको मिलता है। अगर आपके पास ये नहीं तो लैक्मे वाला भी यूज कर सकते हो, अधिकतर लोगों के पास वही होता है। और इसको आप चाहो तो एक फिंगर के हेल्प से हल्के हल्के से करके ब्लेंड कर सकते हो, आप चाहो ब्यूटी ब्लेंडर या चाहो ब्रश, तो मैं यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ। किसी दिन मैं आपको फिंगर से भी करके बता दूंगी, उससे भी बहुत अच्छे से लग जाता है, ठीक है। तो इसको राउंड राउंड शेप में घुमाना है, क्योंकि पफी ब्रश है, फ्लैट ब्रश होता है, तो हल्के हल्के से आपको बस ब्लेंड धीरे धीरे से आपको लगाना रहता है।
बट इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है क्योंकि पफी है। और मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा था दी आई मेकअप करने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पफी ब्रश से आई के नीचे ब्लेंड करने में, तो मैं आपको चलो बता देती हूँ, जहाँ जहाँ आपसे ब्लेंड हो वहाँ वहाँ आप ब्लेंड कर लेना, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद एक छोटू सा ब्रश लेना, पफी ब्रश छोटू सा बहुत आते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आई के नीचे मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना है ये देखिए, और इससे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए दोनों ही आई में मैंने लगाया और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो जहाँ आपको ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम होती है पफी ब्रश से, आप इस तरीके से कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से ये लग भी जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे मोर्फी का हेल पैलेट, में मैंने ब्राउन वाला सेट पिक किया है, इसी से मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से ये फिल हो जाती है एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी आईब्रो सेट हो चुकी है, अब मैं एक ब्रो कॉम लूँगी, उसकी हेल्प से अच्छे से अपनी आईब्रो को सेट कर लूँगी ताकि जो मेरा एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। मेरा गला इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, मैं टॉफ़ी खाई हुई हूँ क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी इसी वजह से, ताकि थोड़ा सा साफ़ हो जाए। और यहाँ पे मैं लूँगी NYV का कंसीलर, एक फ्लैट ब्रश लूँगी और इससे मैं अपनी आईब्रो के ऊपर नीचे दोनों साइड में जैसा मेरी आईब्रो का सेप है उसी तरीके से लगा लूँगी। तो इससे जो आपकी आईब्रो है वो उभर कर आती है। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, अब फाउंडेशन इसी तरीके से अप्लाई कीजिए, देखिए डिफरेंट कितना डिफरेंट आ गया ना। और इसके बाद मैं ले रही NYV का काजल, जो 52 रुपीज़ का है, बहुत ही बजट में है, काफ़ी डार्क वाला है, बहुत ही प्यारा कलर उभर कर आता है इसका, बहुत ही अच्छा, ये देखिए बहुत ही प्यारा है, मुझे पर्सनली ये बहुत ही पसंद आया बजट के हिसाब से। फिर मैं ये वाला ग्रीन वाला शेड लूँगी जो सबसे पहले मैंने आईलेट के ऊपर लगाया था, उसी काजल के ऊपर लगाएंगे तो इसका कलर देखिएगा क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा उभर कर आया था। बट कैमरे में इस कलर जो है ना हमेशा मेरा डल ही दिखता है, कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, अभी मेरा फेवरेट फाउंडेशन सॉरी कॉम्पैक्ट लैक्मे का। तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे, जो हमारा बेस हमारा तैयार हुआ मेकअप, तो अच्छे से पूरे फेस को हम सेट कर लेंगे, गले वगैरह में लगा लेना है आपको ताकि हमारा गला और फेस डिफरेंट ना दिखे। तो ये देखिए अच्छे से आपको सेट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा लगा के एक्स्ट्रा निकालते हुए, बहुत ही अच्छा पाउडर है ये, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। और मैं यहाँ पे अब लगा रही हूँ ब्लशर, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है कोई भी तो आप बेबी पाउडर ले सकते हैं, या आपका भी पाउडर ऐसा आता है ना लूज पाउडर जिसको बोलते हैं, जैसे आप घर में लगाते हो ना पॉन्स वगैरह का, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ सीज ब्यूटी का हाईलाइटर, जो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर पूछ रही थी दी, अगर हमारे पास फैन ब्रश नहीं है तो हम कैसे लगाएं, तो आपके पास फ्लैट ब्रश होगा, तो आज मैं उसी से आपको बता रही हूँ, फ्लैट ब्रश बहुत ही अच्छा होता है और मुझे तो लग रहा है इससे और अच्छे से लग जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिंगर के हेल्प से भी लगा सकते हो। तो फ्लैट ब्रश से मैंने आपको दिखा दिया कि आप कैसे लगा सकते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा लगाने में। और इसके बाद आईब्रो के नीचे आपको लगानी है, बहुत ही अच्छे से यहाँ भी लग गया और काफ़ी अच्छा उभर कर भी आ गया मेरा आई मेकअप, देखा आपने। जहाँ जहाँ आपको कंसीलिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप कंसीलिंग कर दीजिए। इसके बाद मैंने दो लिपस्टिक ली थी NYV की, हुडा ब्यूटी की लिक्विड, तो यहाँ पे मैं NYV की लगा रही, पिंक शेड है मेरा, शेड है 1, और हुडा ब्यूटी की जो थी वो थोड़ी सी न्यूट शेड थी। और यहाँ पे मैंने टीका लगा लिया, कॉम कर लिया। चलिए अब हम एयरिंग पहन लेते हैं, सॉरी बिंदी लगा लेते हैं, तो आप चाहो तो बिंदी स्किप कर सकते हो, बट मुझे बिंदी पसंद आई तो मैंने लगा लिया। इसके बाद मैं पहन रही हूँ अपनी एयरिंग, तो मैं कॉम वहाँ पे इसलिए नहीं कर पाती आप लोगों के सामने क्योंकि मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने करती हूँ, आईना मेरा मिरर जो है थोड़ा सा बड़ा है तो आसानी होती है, फ़ोन के सामने दिक्कत होती है कॉम करने में। तो यहाँ पे मैंने अपनी एयरिंग्स पहन ली है, और इसके बाद आप चाहो तो हेयर को खोल के कुछ इस तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए दुपट्टों को मैंने पिनअप कर लिया है दोनों साइड से, तो आप चाहो तो हेयर को खोल भी सकते हो, आप चाहो तो परांदा भी लगा सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देती हूँ कि हेयर को खोलने के बाद, तो ये मैंने न्यू परांदा लिया है, ये देखिए जो यहाँ से जॉइंट है, तो चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं, काट लेते हैं कैंची से। तो अभी मेरा खुल चुका है, अब हम अपनी चोटी बना लेते हैं, चोटी बनाने के बाद हम परांदा लगाएंगे। पहली बार मैं परांदा लगाने जा रही हूँ, तो दोनों साइड से मैं थोड़े थोड़े से हेयर निकाल ले रही हूँ क्योंकि अच्छे लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड से हेयर निकाल लिया, अब मैं थोड़ा सा कॉम करके चोटी बनाऊंगी, बहुत दिन के बाद मैं चोटी बनाने जा रही हूँ, स्कूल टाइम में बनाती थी। तो चोटियाँ कर लेनी है हमको, चोटी करने के बाद फिर हम लगाएंगे अपना परांदा थोड़ा सा नीचे की साइड में,
क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से लगा रही थी तो मेरे हेयर परांदे से नीचे आ जा रहे थे, इसी वजह से। तो यहाँ से मैंने परांदा लगाया तो भी मेरा हेयर परांदे के बराबर ही गया है। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और ये बिल्कुल फ्री है आपका, इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला लाइक का, सब्सक्राइब का, शेयर का। तो प्लीज़ इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हो ना, हम आपके लिए इतना करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मुझे पता है आप लोग इतना तो करोगे। हाँ, और जो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो ज़रूर, तो वो ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा मेकअप। अगर आपको कोई और नया मेकअप लुक देखना है तो कमेंट करके वो भी बताइएगा। प्लस आप मुझे इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो कीजिएगा ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को, टिकटॉक पे पूरी ड्रेस देखने को मिले। और अगर कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी दे सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है। ओके, बाय बाय।